हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। एक्चुअली जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, खांसी भी, मतलब गला भी बैठ गया है थोड़ा सा, मतलब खांसी भी हो रखी है और जुकाम भी हो रखा है, बच्चों जैसे जुकाम हो रखा है, पानी बह रहा है नाक से। और हाँ, सुबह की क्लीनिंग वगैरह सारे काम सुबह के हो चुके हैं, बस अभी इन्होंने मुझे सब्जियाँ ला के दी थी तो वो तोड़नी है, और उसके बाद लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और काम में लग जाती हूँ। तो गाइज, ये सब्जियाँ उन्होंने मुझे ला के दी थी आज, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि ओट्स में डालने के लिए सब्जियाँ ही नहीं थी मेरे घर पे, तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ सब्जियाँ उन्होंने ला के दी थी। फूल गोभी ला के दी थी और आलू वगैरह ला के दिए थे, वो भिंडी वगैरह, ये मिर्च, धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें मुझे ला के दे दी थी उन्होंने। तो यहाँ पर मैं मिर्च क्लीन कर रही हूँ, जो पीछे का हिस्सा है वो निकाल के उसको क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में ये तो मुझे नहीं पता है, बट उसके साथ अगर आप मिर्च रखते हो ना तो जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहते हैं मिर्च के, तो इसी वजह से वो मैं क्लीन करके रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जब भी ये लेके आते हैं मिर्च तो काफ़ी सारी लेके आता है, फिर काफ़ी दिनों तक मेरी चल जाती है, तो इसी वजह से वो मैं क्लीन करके रख देती हूँ। धनिया पत्ता भी इस तरह से, ये छेद वाला मेरे पास कंटेनर है तो उसमें रख देती हूँ। ये अदरक भी बहुत सारा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ना मतलब ज़्यादा अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा अदरक रहा ना चाय में तो ही मुझे चाय अच्छी लगती है, वरना मुझे टेस्ट ही नहीं लगता है उस चाय का। तो इस तरह से मैं सारे चीज़ें क्लीन करके रख देती हूँ। भिंडी वगैरह भी मैंने काट के रख देती हूँ, वो मैंने सुखाने के लिए रख देती थी, ताकि मुझे जब मैं भिंडी बनाऊँ तो उस टाइम मुझे परेशानी ना हो ज़्यादा, क्योंकि सुबह माही के टिफ़िन में ही भिंडी देनी पड़ती है, तो इससे उस टाइम ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सुबह सुबह, तो इसी वजह से अगर काट के रखी जाए तो हम इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोभी वगैरह भी काट रही हूँ, गोभी इसलिए काट रही हूँ, मतलब काट नहीं रही हूँ, तोड़ रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे टाइम रहता है थोड़ा सा तो मैं तोड़ के गोभी बनाती हूँ, मतलब आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं आज, तो इसी वजह से, और किसी ने रिक्वेस्ट की थी आलू गोभी की सब्जी के लिए, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज आलू गोभी की ही सब्जी बनाते हैं, मतलब आलू गोभी की रस्से वाली सब्जी जो होती है उसकी रिक्वेस्ट की थी किसी ने, तो इसी वजह से आज आलू गोभी की रस्से वाली सब्जी बनने वाली है। थोड़े से बर्तन थे, मतलब क्या बोलते हैं, तो उसे कप वगैरह थे, तो वो मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिए, मतलब क्लीन कर लिए, तो थोड़े से मतलब बर्तन थे तो यहाँ पर वो भी कढ़ाई की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से वो कढ़ाई एंगेज थी तो मैंने वो कढ़ाई भी मतलब उसमें से निकाल लिया और वो भी अभी क्लीन कर लिया है, तो उसकी भी मुझे ज़रूरत है इसी वजह से। और यहाँ पर कप वगैरह रखती हो ना तो उस पर अगर बर्तन रख दिए जाए तो फिर कप टूटने के चांसेस रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने कप भी वॉश कर लिए। ऐसे में थोड़े से बर्तन रहता है, मतलब कप वगैरह रहता है, तो मैं यहाँ पर ही क्लीन कर लेती हूँ, तो इसी तरह से मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं जो है अभी इसमें ये वाली कढ़ाई में सब्जी भी बनानी है, तो सब्जी की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, गोभी जो है वो तोड़ के अगर बनाते हो तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मैं काटती नहीं हूँ, मतलब जब मुझे टाइम रहता है ज़्यादा तभी, अगर मुझे टाइम नहीं रहता है तो काटना तो पड़ता ही है। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो गोभी को तोड़ दिया जाए, तो मतलब तोड़ने से ऐसे फूल फूल दिखते हैं तो अच्छा लगता है। एक्चुअली टमाटर एंड गोभी की जो सब्जी है, मतलब सूखी सब्जी, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि आपको क्या बताऊँ। और ना मेरे पापा को भी वो वाली सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मम्मी के हाथों से बनी हुई, मुझे भी मम्मी के हाथों से बनी हुई सब्जी पसंद है, मम्मी भी तोड़ के, मतलब जो गोभी है वो तोड़ के ही, काट के नहीं बनाती है, तोड़ के बनाती है, तो वो फूल फूल अगर दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ना मेरी मम्मी जो है वो गोभी एंड टमाटर की सब्जी सूखी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, वो विंटर में बनाती थी, और जैसे ही मुझे इसकी स्मेल आती थी ना गोभी की सब्जी की, तो मैं तुरंत उठ जाती थी सुबह सुबह, और पापा खाते हुए दिखते थे तो पापा के इसमें बैठ जाती थी खाने के लिए, तो इसी वजह से ससुराल में, बस एक ही चीज़ की वजह से ससुराल में मुझे मम्मी की याद आती है, वो भी गर्म गर्म खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ना गोभी और टमाटर की सब्जी के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे सबसे पहले मम्मी की ही याद आती है। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं गोभी और आलू की सब्जी के लिए, और ये इतने छोटे छोटे ही लाए थे, पता नहीं इन्होंने क्यों इतने छोटे छोटे आलू लाए थे इस बार, तो चार चार आलू लिए हैं मैंने और गोभी ली है,
आधी, तो आधा फूल लिया है गोभी का। तो इस तरह से मैं थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी, और काफ़ी लोग इससे भी बड़े पीसेस में काटते हैं, बट मुझे इतने साइज़ के पीसेस अच्छे लगते हैं, तो मैं इतने साइज़ के पीसेस में काट लूँगी और अच्छे से वॉश कर लूँ। ये जो देख रहे हो नल को लगाया हुआ मैंने, ये बहुत ही अच्छा है यार, कल लेके आए थे, ये काफ़ी सस्ता है बोल रहे थे, 20 या 30 रुपीज़ का भी लेके आए थे, और बहुत ही अच्छा है। मतलब उससे ना पानी से होता है, काफ़ी कम पानी लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है बर्तन क्लीन करने के टाइम उससे, तो इसी वजह से मैं अभी, मुझे अच्छा लग रहा है, और सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब 20-30 रुपए का ही लेके आए थे वो। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है उसमें, उसमें राई जीरा डाल दिया है, और उसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और हाँ, किसी ने लहसुन अदरक के पेस्ट की रेसिपी भी मांगी है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है, बट कभी अगर लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो जाने के बाद मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भून जाने के बाद ऐड किए हैं मसाले, मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड की है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और फिर उसमें ऐड किया है टमाटर। तो टमाटर मैंने यहाँ पर दो तीन मतलब लिए थे छोटे साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने दो तीन ले लिए थे, और उसमें ऐड किया है। फिर उसमें नमक ऐड किया है ताकि जो हमारे टमाटर है जल्दी से गल जाए। और यहाँ पर मैं साइड में पानी भी रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी लगेगा, हमें गर्म पानी लगेगा सब्जी में ऐड करने के लिए। तो अभी यहाँ पर टमाटर हमारे गल चुके थे, तो टमाटर गलने के बाद मैं उसमें गोभी और आलू डाल दूंगी और अच्छे से उसे चला लूंगी। और हमें ना सिर्फ ये मसाले में ही इसे पकाना है, जो गोभी आलू है उसे मसाले में ही पकाना है, जब पक जाए तो उसके बाद हमें उसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर ना जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो मैंने सब्जियाँ वगैरह भी साफ़ की थी तो नीचे गिर गया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर झाड़ू भी मार ले रही हूँ। जब तक मैंने झाड़ू मारा तब तक मेरे आलू और गोभी यहाँ पर पक गई थी, तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है। जितना रस्सा आपको, मतलब जितना जी ग्रेवी है वो आपको चाहिए, उतना आपको पानी ऐड कर देना है, थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान से पानी ऐड करना है उसमें, क्योंकि यहाँ पर आलू और गोभी हमारी पक चुकी होगी और हमें सिर्फ ग्रेवी के लिए वो पानी ऐड करना होता है। वरना आप मसाले में ही अगर गोभी और आलू पकाते हो तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, अगर आप पानी डाल देते हो पहले से ही तो बिल्कुल टेस्ट बिगड़ जाती है सब्जी की। तो इसी वजह से आप मसाले में ही आलू और गोभी पका लेना, बाद में पानी ऐड करना। और यहाँ पर मेरी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। सो गाइज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। पिछले बार जो भैरवी कलेक्शन ने मुझे एक सेट सेंड किया था, मैंने आपको दिखाया था वो सेट, बहुत ही अच्छा था, मतलब साउथ इंडियन साड़ी पे मेरे मैच हो रहा था, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, तो उन्होंने मुझे दूसरा एक सेट सेंड किया है, तो वो है ये, आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्वालिटी वाइज इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जो पहले भी इन्होंने सेट सेंड किया था मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये पता नहीं अटक गया है, हाँ, तो ये है वो सेट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वो ना होलसेल प्राइस में देते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी रिजनेबल उनकी प्राइस होती है। और आप देख सकते हो ये वाला सेट कितना सुंदर है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है साड़ी पे, वन सिंगल अगर आप ये सेट पहनते हो ना, तो सिंगल सेट भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ट्रेडिशनल लुक देता है आपको, और बहुत ही हेवी लुक देता है ये सिंगल सेट आपको, तो ये वाला सेट है, और आप देख सकते हो इसका जो मतलब इसकी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, इसकी अंदर ये देवी है और इस तरह से इसकी डिजाइन है, यहाँ पर पिंक एंड ग्रीन कलर के स्टोन दिए हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो कॉपर फिनिश है, और क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइज। इसकी जो इयररिंग्स है वो इस तरह से है, बहुत ही ज्यादा अच्छे इयररिंग्स है, और वो भी सेट मैं आपको दिखा देती हूँ, पिछले ब्लॉग अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो भी कुछ सेट, जो पिछला जो सेट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो इस तरह से इसके इयररिंग्स है, और ये वाला सेट इस तरह से है, तो पिछला जो सेट है वो ये है, तो इन्होंने पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी, इस वाले बॉक्स में इन्होंने मुझे सेंड किया था, ये वाला इस वाले बॉक्स में सेंड किया था, इसके इयररिंग्स है इसमें, और ये जो नेकलेस है वो इस तरह से है, और इसकी जो फिनिश है वो देखिए आप, फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, कॉपर फिनिशिंग में है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मैं पहन के दिखा देती हूँ, ये इस तरह से दो सेट है, आपको मैं पहन के दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा हेवी लुक आता है इससे भी, और इसके भी साथ इयररिंग्स दिए हैं, मतलब दो सेट है इस तरह से, एक आप ऊपर एक नीचे, मतलब इसका मैं पिक आपको साइड में दे दूंगी, आप देख लेना कि किस तरह से दिखता है ये, और
और इसके साथ के जो इयररिंग्स है वो भी काफी ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो ये वाले इयररिंग्स मिले थे इसके साथ, तो बहुत ज्यादा अच्छा है इयररिंग्स भी, तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा ये वाला सेट भी। और ये डीलर्स एंड होलसेलर्स है, इनके जो ज्वेलरीज एंड साइज है वो आप कोई भी वेबसाइट से कंपेयर कर सकते हो, तो आपको कम प्राइस में ही आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है एक, और एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर काफी सारे आइटम मिल जाएंगे, पक्का आपको पसंद आने वाला है। और डिलीवरी भी फास्ट है, मतलब 2-3 दिन में ही आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अगर आपके यहाँ पे शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो आपको 2-3 दिन में ही डिलीवरी मिल जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मतलब कोई भी वेबसाइट से आपको वहां पर कम ही प्राइस में मिलेगा, क्योंकि ये होलसेलर्स है इसी वजह से। तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और इंस्टाग्राम पेज का, तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करना और उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, आपको काफी सारे प्रोडक्ट वहां पर पसंद आने वाले हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और आपको डिलीवरी भी फास्ट मिलने वाली है। तो गाइस सब्जी रोटी मेरे यहाँ पर बन गई थी और मैं यहाँ पर बना रही थी मट्ठा, जो दही का मट्ठा होता है वो बना रही थी, और दही में पानी डाल दिया है, थोड़ा सा उसको फेंट लिया है, उसके बाद मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसको किसी को चीनी ज़्यादा पसंद आती है, किसी को कम पसंद होती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीनी ऐड करनी है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है काला नमक, तो काला नमक भी ऐड करना मत भूलिएगा, और उसमें मैंने सादा नमक ऐड किया है क्योंकि काला नमक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका, तो इसी वजह से मैंने उसमें काला नमक ऐड किया है और सादा नमक भी ऐड किया है, अच्छे से फेंट लिया है सारी चीज़ों को, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अच्छे से फेंटना है आपको, उसके बाद मैं तड़के की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, थोड़ा सा, आपको बिल्कुल ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है, और तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें जीरा राई ऐड करना है, और राई चटकने लगे उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है एक हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च आप एक ही ऐड करना, अगर तीखी हो तो 2 ऐड कर सकते हो, अगर नहीं तीखी हो तो 1 ही ऐड कर देना, बस इसी तरह से आपको जो हरी मिर्च है उसे चला लेना है, और आपका जो तड़का है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद उस तड़के को हमें उसमें डाल देना है, मतलब जो हमने दही का छाछ बनाया था उसमें डाल देना है, और हमारा जो मट्ठा है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद उस पर धनिया पत्ता ऐड कर देना है, तो बस रेडी हो चुका है यहाँ पर हमारा मट्ठा। और गाइस किसी ने मुझसे पूछा था कि बालों के लिए, मतलब बालों की जो स्मूदनिंग मैंने की थी उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुआ है, तो गाइस मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे बालों में कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, सिर्फ थोड़ा सा डैंड्रफ का प्रॉब्लम लग रहा था, तो उसके लिए मैं एक ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू जल्दी से आने वाला है आपके लिए, मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको कि मतलब इनके लिए, मतलब मैं वो ऑयल यूज़ करती हूँ कौन सा, उसका रिव्यू आएगा आपके लिए। उससे काफ़ी अच्छे से बाल भी हो जाते हैं, मतलब झड़ना भी कम होता है और डैंड्रफ भी कम होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे उस ऑयल से, और तो वो ऑयल मैं इनके लिए इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मैं तो डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रही थी अपने लिए, बट इनके लिए इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि वो जो ऑयल है उससे गंजापन भी जाता है, मतलब इनके जो बाल है झड़ चुके हैं बीच से, जैसे कि वो ब्लॉग में आपसे शेयर किया था मैंने, तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने बोला था मुझे रिव्यू शेयर करो, बट रिव्यू शेयर करना ही नहीं हो रहा है उसका, तो मैं जल्दी से उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा डिटेल में। तो वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और अलग से मैं इसके लिए, मतलब काफ़ी लोग स्मूदनिंग तो कर लेते हैं, उसके बाद जो अलग से उसका शैम्पू आता है, उसका सीरम आता है, और उसका जो कंडीशनर आता है वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसी वजह से उनके बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो मेरे बालों में तो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है, मैंने तो कलरिंग भी कर रखा है अपने बालों में, फिर भी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, डैंड्रफ इसलिए हो रहा था कि वो भी विंटर में होता ही है सभी को डैंड्रफ, तो डैंड्रफ के लिए मैं वो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, और उसके लिए मैं अलग से जो शैम्पू आता है वो यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है वो शैम्पू, लॉरियल का एक्सटेंसिव शैम्पू, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने जो स्मूदनिंग की है वो लॉरियल की है, तो लॉरियल का ही सब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है एक्सटेंसिव कंडीशनर, मतलब मास्क बोलते हैं इसे, और एक सीरम आता है यही एक्सटेंसिव का ही, मतलब ये पूरी किट ही आती है इसमें, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा है। एक मिनट में आपको वो भी दिखा देती हूँ, सीरम भी दिखा देती हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे होती नहीं है, मुझे तो कुछ अभी तक नहीं लगा,
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये है वो सीरम, ये भी एक्सटेंसो का ही सीरम है लॉरियल का। तो काफ़ी दिनों तक, मतलब अभी मुझे जितने दिन हुए हैं तो अभी भी मेरा सीरम तो ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ शैम्पू मुझे लग रहा है कि अभी शैम्पू मुझे खरीदना पड़ेगा। मतलब 1.5 महीना तो हो ही चुका होगा, 1.5 महीने से ज़्यादा हुआ है, तो शैम्पू मुझे अभी खरीदना पड़ेगा। और सीरम वैसे के वैसे ही है, और कंडीशनर भी काफ़ी सारा है, मतलब कंडीशनर भी थोड़ा सा, कंडीशनर भी उसके साथ खरीदना पड़ेगा काफ़ी सारा। मीन्स कंडीशनर थोड़ा सा ही है, दो तीन बार यूज़ कर सकती हूँ मैं, उतना है। तो कंडीशनर भी अभी मुझे खरीदना पड़ेगा और शैम्पू भी मुझे खरीदना पड़ेगा, सिर्फ सीरम नहीं खरीदना है, सीरम आधा है अभी तक। तो आपके यूज़ पर डिपेंड है, और आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड है कि आप कितना यूज़ करते हो और आपके बालों की लेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड होता है सारा कुछ। तो इस तरह से है, और उन्होंने पूछा था, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको हेल्प मिल जाएगी इससे, अगर आपको भी स्मूदनिंग वगैरह करनी है तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाल झड़ने लगते हैं, बाल ये होता है, बाल अगर आप केयर नहीं करोगे तो बाल झड़ेगी। कुछ दिन उसको तेल नहीं लगाना होता है, ऑयल अप्लाई करना नहीं होता है, मतलब मुझे तो 1 महीने तक ऑयल अप्लाई करने के लिए मना किया था उन लोगों ने, तो इसी वजह से मैं 1 महीने तक तो ऑयल मैंने अप्लाई नहीं किया था कुछ भी। तो उसी वजह से थोड़ा सा डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, आप अगर आप मतलब पोषण ही नहीं देते हो आपके बालों, थोड़ा सा डैंड्रफ का तो प्रॉब्लम होगा ही, मतलब सूखे बाल हो जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा ही। तो इसके लिए मैं जब से मैंने ऑयल लगाना स्टार्ट किया है तो वही ऑयल लगा रही हूँ मैं जो आपको बता रही थी, और बस दूसरा तो कुछ केयर नहीं कर रही हूँ। सिंपल मतलब गुनगुने पानी से, ज़्यादा गर्म भी पानी से वॉश नहीं करना है और ज़्यादा ठंडे पानी से भी वॉश नहीं करना है, गुनगुने पानी से एकदम वॉश करना है आपके हेयर को। थोड़ा सी केयर तो करनी पड़ती है, और अगर आप शैम्पू कंडीशनर और सीरम दूसरा यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो होगा ही आपको। मैंने काफ़ी लोगों का सुना था कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से मैंने, मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस नहीं करना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खर्चा किया और अपना जो सीरम कंडीशनर एंड वो होता है अमास होता है सॉरी सीरम कंडीशनर एंड जो शैम्पू होता है वो मैंने अलग से लिया। तो बस यही था, यही केयर करनी पड़ेगी आपको बस, बाकी तो कुछ केयर नहीं करनी पड़ेगी। और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, देखिए आप कितने सुंदर, मतलब शाइन भी आती है। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उस टाइम तो बहुत ज़्यादा शाइन होती है, और 2-4 दिन में फिर थोड़ी सी शाइन कम हो जाती है उसके बाद आप। और हाँ, हेयर वॉश करने के लिए उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी लोग गलती करते हैं हेयर वॉश करने के लिए, 8-8 दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं स्मूदनिंग के बाद, तो वो बहुत ही गलत है, इसी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। तो आपको 2 दिन के बाद ही हेयर वॉश करना है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बताया था कि मैंने ना उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जब मेरा स्मूदनिंग चल रहा था। आप लोगों को पता ही है कि स्मूदनिंग के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही थी कि ऐसा होता है कि भैया आप ऐसा बताए क्या, ये है क्या, मतलब बहुत सारे जो मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने उनको पूछ लिए थे, तो उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, और उन्होंने जो बताया था वही मैंने फॉलो किया है, और उन्होंने जो जो बताया था मैंने आपको बता ही दिया है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 1 महीने तक ऑयल मत लगाइए आप, और बाकी का केयर जो करना है वो कीजिए, मतलब यही शैम्पू यूज़ करना है, यही कंडीशनर यूज़ करना है, यही सीरम यूज़ करना है, और बाकी का जो है सिर्फ आपको हेयर वॉश 2 दिन के बाद ही करना है, बाकी 8-8 दिन के बाद या 5-6 दिन के बाद नहीं करना है, बस इतना ही उन्होंने बताया था। तो वही मैं कर रही हूँ, और मेरे हेयर में कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ डैंड्रफ के अलावा, तो डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है वो ऑयल की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। गाइज अभी हुई हूँ फ्रेश और बच्चे गए हैं खेलने बाहर। मेरा ना मैंने जो है मोबाइल चार्ज के लिए लगाया था वहाँ पे ऊपर, तो इसी वजह से वो लेके आई हूँ, और बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हैं और मैं अभी फ्रेश हुई हूँ, मेरी कॉफ़ी ली है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे।
आई होप छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, छोटा बनाया बड़ा बनाया पता नहीं। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।